अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है जी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना कंफ्यूज्ड हो गई थी। कंफ्यूज थी कि बीच फ़ोन में ब्लॉग्स बने हुए हैं लेकिन थे नहीं, वो डिलीट हो चुके थे, पता नहीं कैसे डिलीट हो गए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाए थे आप लोगों के लिए, लेकिन वो डिलीट हो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। 11 बज चुके हैं, गर्मी से बुरा हाल है और बच्चे नहा रहे हैं और घर का काम चल रहा है इस तरह से, और घर का काम चल रहा है और लंच की भी तैयारी हो रही है। बस आजकल छुट्टियों में ना गर्मी बहुत है, बच्चों की रूटीन सोच रही थी सेट करने की, लेकिन हल्की फुल्की सेट हो पाई है, बाकी कुछ इस तरह से खास हो नहीं पा रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो खैर, एक पार्सल मंगवाया था, उसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है, और हो सकता है कि आपके भी काम आ जाए ये चीज़। मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो चलिए इस पार्सल को ओपन करते हैं। असल मुझे सीज़र दे दो, और इन लोगों ने मेरी रिंग लाइट वगैरह तोड़ दी है। ये देखिए, रिंग लाइट जो है वो तोड़ दी है। और कुछ नहीं, आप वहाँ पे बैठ जाओ। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे तो मुझे पता है इसके अंदर क्या है, और मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं। चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ फिर सबके साथ साथ। थोड़ा सा चुप करो प्लीज। तो ये है हमारा जो लॉन्ड्री बॉक्स है, ये मैंने वो मंगवाया है। पहले मैं इसको फिट कर लेती हूँ। वैसे ये बिल्कुल हाँ अच्छा है। ठीक है मम्मा। ये देखें कितना बड़ा है और कितना अच्छा है। इसके अंदर पहले मैं इसका ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये इसके अंदर डाल लेती हूँ ताकि ये एक स्टैंड बन जाए। पीछे रहो। और हम इसके अंदर घुस भी सकते हैं। बस सबसे पहले बच्चों की जिद है कि हम इसके अंदर घुस सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा लॉन्ड्री बॉक्स है, और जिसमें वॉश करने वाले कपड़े जो हैं मैं वो डालूंगी। मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कभी मुझे टब में कैप भी है, और इस तरह से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। वैसे मैं टब में कपड़े रखती थी, और जब टब में कपड़े रखती थी ना तो कुछ कपड़े ना गीले हो जाते थे, और फिर वो आपको पता है जब गीले हो जाते हैं कपड़े तो कितनी स्मेल करते हैं। तो यहाँ पे सूखे रहेंगे कपड़े और मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ये सारा का सारा ना कार्डबोर्ड से बना हुआ है, और बस इसको ऊपर से कवर किया हुआ है। जो पॉलीथीन का कपड़ा होता है ना, मतलब जो कपड़े का पॉलीथीन होता है, वो वाला इस पर क्लोथ यूज़ हुआ है। अब एग्जैक्टली उस क्लोथ का नाम क्या है वो मुझे नहीं पता। तो ये देखें, यहाँ से हम इसको पकड़ भी सकते हैं, ये उठा भी सकते हैं ऐसे करके। तो जिस प्लेस में मुझे इसको रखना है मैं आपको बताती हूँ, मुझे इसको कहाँ रखना है। ये है जी, अभी आपको अच्छे से दिखेगा। ये है हमारा बॉक्स, और यहाँ पे साइड पे हैंडल्स भी हैं इसके। तो इसको उठा के मैं लेके जा रही हूँ वॉशरूम के बाहर। तो यहाँ मैंने रख दिया इसको, और ये देखें इसमें स्पेस, और धोने वाले कपड़े ऐसे करके इसके अंदर जाएंगे, जिससे मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये छुपे के छुपे रहेंगे और अच्छा का अच्छा लगेगा। ये देखें, ये हमने डाल दिए वॉश करने के लिए, मतलब वॉश करने वाले, और इसको यहाँ से मैंने ढक दिया। तो ये देखिए हमारा बॉक्स, अब धोने वाले कपड़े रहेंगे बिल्कुल उसके अंदर, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। ऐसे पसारा पड़ा रहता तो मेरे बच्चे उठाते थे कपड़े और फेंक देते थे वॉशरूम के बाहर। फिर मैं या तो उसे उन्हें बकेट में डाल देती थी या फिर टब में। तो इन्होंने आज मेरी रिंग लाइट तोड़ दी है। बताएं, छुट्टियों का नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है? मुझे तो बहुत नुकसान हो रहा है छुट्टियों का। तो गाइस, नहा लिए हैं और लाइट आ चुकी है, हमारा खाना भी बन चुका है। आज मैंने सनस्क्रीन लगाया था, और ये देखें, कहते हैं घर के अंदर भी सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने किया है आज। वैसे मैं करती नहीं थी यूज़, लेकिन मैंने आज कर दिया। ये जो मैंने सूट पहना है ना, इसका प्लेन दुपट्टा था येलो कलर का, ऊपर मैंने सूखने के लिए डाला, पता नहीं वो कैसे, मतलब ऐसे ना उसको कट सा लग गया, सुराग हो गया उसमें, पता नहीं कैसे हो गया। तो खैर, चलिए अपना देसी सा लंच करते हैं, जो हमारा देसी लोगों का होता है। क्या? लस्सी, अचार, चटनी और
रोटी। तो आज हमारे पास लस्सी है, आज हमने चटनी नहीं बनाई। असद आहद और असद नहीं खाते चटनी, और मैं भी काफ़ी दिनों से नहीं खा रही, क्योंकि मतलब ज़्यादा चटनी खाने से भी ना मतलब ऐसे गले में फूड पाइप वैसे जलती है ऐसा लगता है। तो मैं बना रही हूँ फटाफट से लस्सी। लस्सी में अगर मिक्सर में बनाऊँगी तो मिक्सर वॉश करना पड़ेगा, और अगर इससे बनाऊँगी देखेंगे क्या, अगर इससे बनाती हूँ तो भी दो बर्तन वॉश करने पड़ेंगे, तो उसके बाद खड़ा रहना पड़ेगा, इसी में बना लेती हूँ। तो खैर आज का हमारा लंच है ये बता दिया मैंने आपको, और गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, मेरे बच्चों को ना गर्मी हो गई है, हालांकि मैं उनको कोई गर्म चीज़ भी नहीं देती। ड्राई फ्रूट्स बंद है, मैंगो बंद है, मेरे घर में मैंगो आना बंद हो गए, लेकिन फिर भी इनको बहुत गर्मी हो रही है। हम बनाएंगे लस्सी और दही। ये है हमारा, ये हमारा दही कल का पड़ा हुआ, आज मैंने दही नहीं लगाया रात को ना, इतनी गर्मी हो रही थी और दही लगाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मेरे बच्चे भी लस्सी पीते हैं और ठंडी ठंडी लगती है ना लस्सी गर्मी में। तो अब इसको करते हैं जी मिक्स विक्स विक्स। लस्सी हमारी बन गई है और बॉटल खाली हो गई है, अब इसको भरेंगे और फ्रिज में लगाएंगे, क्योंकि पानी का बहुत इस्तेमाल होता है गर्मी में ना। तो करते हैं फटाफट से लंच, और बच्चों का छुट्टियों का काम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा है, रोज़ का यही होता है कि हम लंच करके हम सो जाते हैं और फिर उसके बाद उठती हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और बस इस तरह से रूटीन चल रही है आजकल। तो आज मैं इनका होमवर्क स्टार्ट करूँगी। एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं आहद की, तो वो करनी है। असद का इतना नहीं है, असद का रिटर्न में ज़्यादा है, आहद का रिटर्न का कुछ नहीं है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कल से मतलब आज ये ब्लॉग आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, मतलब अब मेरा ब्लॉग डेली आएगा और संडे को भी आएगा ब्लॉग। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, आप डेली वीडियोज़ देखने के लिए रेडी हो जाएँ, जो मुझे हर दिन मतलब जहाँ मैं जाती हूँ मिलते हैं लोग, मुझे पूछते हैं डेली ब्लॉग्स क्यों नहीं डालते, डेली ब्लॉग्स क्यों नहीं डालते, हम आपको देखना चाहते हैं डेली ब्लॉग्स में। तो मैं आप डेली ब्लॉग डालूंगी, कल आपने ब्लॉग ज़रूर देखना है। आज का ये मैं अभी अपलोड कर दूंगी, 2 बजे 3 बजे के करीब जो मेरा टाइम है, तो उसके बाद आपने कल ज़रूर ब्लॉग देखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।